Let's go. Oh, bhai saab. Oh, bhai saab. Oh. Okay. So, yeah, you need to be very careful. आराम से पहुंचेंगे भाई साहब, लाइन में रह ले। देखा, गुड मॉर्निंग क्लब मेंबर्स, हाउ यू ऑल डूइंग, वेलकम टू अनदर वीडियो टू द क्लब टॉक्स, दिस इज योर बॉय असद। तो दिस इज, एज यू कैन सी, आई एम ऑल गेयर्ड अप। मैं आज निकल रहा हूँ फाइनली इस लवली लवली प्लेस को छोड़ करके। एज यू कैन सी, बैग ऑलरेडी पैक्ड है एंड एवरीथिंग इज़ रेडी। सो या, इतने अच्छे दोस्त मिले यार, इतने अच्छे कॉन्टैक्ट, जस्ट दे डोंट वॉन्ट मी टू यू नो लीव, बट क्या करूँ, मेरा प्लान बन रखा है कूर्ग का, वहाँ पर बुकिंग्स हैं तो आई हैव टू बी देयर। वहाँ पर 3-4 दिन रहेंगे एंड देन या, सो टुडे वी आर गोइंग टू कूर्ग एंड हाँ, वहाँ कूर्ग भी एक्सप्लोर करेंगे, अच्छी खासी जगह है सुना है। तो yeah, let's explore Coorg. So this is the journey from Ooty to Coorg, from one heaven to another. Chalo, let's see how the, you know, ride goes on. Everything is packed and sealed. So yeah, it should be pretty good. So I have just started the journey. It's just around 200 plus kilometers. So we should be fine by 5 PM. Okay, let me just, हाँ पूरा stretching etching हो गया, सब set है। Literally telling you people, if you are planning on visiting Ooty, you must visit Zostel. Stay there, the hospitality, the love, the people you meet over there, भाई साहब एकदम, मतलब मेरा पूरा week कैसे निकल गया मुझे पता नहीं चला। आई एम होपिंग द सेम विथ कूर्ग, कूर्ग में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले, होपफुली इंशाल्लाह। सो या, इफ यू गाइज हु आई मेट हियर इन Zostel Ooty, यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल एंड प्लीज स्टे इन टच। जो भी अभी ये वीडियो देख रहा है फटाफट से मैसेज करो, पता नहीं मेरे को, क्योंकि अभी ये वीडियो आने तक 2-3 हफ्ते हो ही जाएंगे, जबकि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ ऊटी से। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल एंड आई लव दिस सिटी मैन, ऊटी इज लव, आई मिस ऑल ऑफ यू मैन। ये रहा ऊटी का मेन सेंटर, ये बस स्टॉप है, कितनी बार घूम चुका हूँ मैं यहाँ पर एक हफ्ते में। मेरे को यहाँ के रोड्स ऑलरेडी, मतलब ऑलमोस्ट फेमिलियर हो चुके हैं। मैन, सच अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी एंड टू स्टे, टू एंजॉय, टू जस्ट यू नो बी विद द नेचर। तो हमको जाना है अभी, हाँ सीधे सीधे, परफेक्ट। सो आई एम समवेयर इन द मिडल ऑफ दिस फॉरेस्ट। एक बंदे ने मेरे को पीछे से बोला कि ये थोड़ा स्लैंट हो रहा था उधर, तो अभी पूरा टाइट कर लिया है, पैक होना तो नहीं चाहिए, इसको इधर उधर हिलना तो नहीं चाहिए। बदन हाँ कभी कभी थोड़ा लूज हो ही जाता है। एवरीथिंग इज़ सुपर टाइट यार, तो ज़्यादा हिलना तो नहीं चाहिए इसको। एंड हाँ, अभी बस 8 किलोमीटर्स ही हुआ है स्टार्ट करके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलो ऑल सेट, लेट्स गो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ ओके। सो या, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल जब आप साइडवे से मेन रोड पे आ रहे हो, तो प्लीज़ लुक एट द मिरर्स,
एंड पीछे भी घूम करके देख लें कि कोई आ तो नहीं रहा है, फिर देन यू कैन यू नो कम ऑन टू द रोड. सो फ्रॉम हियर इट्स अराउंड 210 किलोमीटर्स. तो ये रहा हमारा पाइन फॉरेस्ट, जो कि हम कल नहीं परसों आकर एक्सप्लोर किया था. आई होप यू ऑल यू नो लाइक दैट वीडियो. तो हम अभी हाँ उधर से ही गुजर रहे हैं. आज संडे है तो यू नो बहुत सारे लोग हैं घूमने के लिए. पाइन फॉरेस्ट इज सच ए लवली यू नो प्लेस. नीचे जाकर के एक अच्छा खासा लेक मिल जाता है, तो बहुत ही मज़ेदार था. इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी वॉच दैट वीडियो, व्हाट आर यू डूइंग? पहले वो वीडियो देखो यार अच्छे से, पहले वो वीडियो देखो फिर यहाँ पर आओ. ये वाला पूरा देखना, दोनों को लाइक करना, दोनों पर कमेंट करो, शेयर करो. व्हाट आर यू डूइंग? आई नीड योर हेल्प गाइस. शेयर करें वीडियो को एज मच एज यू कैन. शेयर द वीडियो. कम्स डाउन नेचर ट्रायल. क्या बात है यार, इतने सारे घोड़े एंड ऑल, इतनी सारी भीड़ यहाँ पर. सही है सही है सही है. आज संडे है ना भाई, सब लोग मस्त मज़े करने आए हैं. ये कुछ नेचर ट्रायल नाम से कुछ है, बहुत ही अच्छी जगह है वो. लुक एट देम, लोग ऊपर से वहाँ से यू नो हॉर्स राइडिंग करते हुए आ रहे हैं. सो अमेजिंग. सो फार दिस इज यू नो द स्मूदेस्ट ट्रैवल, स्मूदेस्ट राइड सो फार अभी तक के. बट देन लॉट्स ऑफ यू नो ब्लाइंड कॉर्नर्स एंड ऑल, तो बहुत ही केयरफुल रहना ज़रूरी है. बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड कॉर्नर्स हैं. ओके, सो एज यू सॉ पूरा का पूरा ब्लाइंड. ये भी देखो ऑलमोस्ट ब्लाइंड कॉर्नर्स बहुत हैं. तो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज विच इज़ द वेरी बेसिक थिंग, कि आप अपने लाइन में रहें. यू स्टे ऑन योर लेन, डू नॉट स्प्लिट द लेन. टर्निंग के टाइम पे भी स्लो कर लो गाड़ी अगर घुमाने में परेशानी हो रही हो तो. यहाँ पर वैसे भी 60-70 से ज़्यादा स्पीड आप जा भी नहीं पाओगे, बिकॉज इतने ज़्यादा कर्व्स हैं, स्टीप्स एंड लोज बहुत ज़्यादा हैं. तो या वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू स्टे इन योर लेन. अगर आप अपने लेन में रहोगे नो ट्रबल इंशाल्लाह. आई एम जस्ट एंजॉइंग दिस जर्नी यार, नथिंग टू डू टुडे. तो आराम से पहुँचेंगे. भाई साहब लाइन में रह ले, देखा. सो यू नीड टू स्टे इन योर लेन. लेन में रहोगे कोई ट्रबल नहीं होगा. लेन स्प्लिट करने की कोशिश करोगे आगे से भी गाड़ियाँ आती रहेंगी, तब ट्रबल हो सकता है. तो स्टे इन योर लेन. जरा रूट जा सकते हैं. ओके, मेरे को लगा पूरा रोड बंद है यार, बट हाँ यहाँ पर भी गूगल मैप्स पे यू नो इट्स ऑल शोइंग रेड. तो हाँ ठीक ठाक है रास्ता. ओके ओके ओके, केयरफुल केयरफुल, फुल ऑन ऑफ रोडिंग भाई साहब. फुलॉन ऑफ रोडिंग चल रही है यहाँ पे, कुछ काम चल रहा है तो वी हैड टू यू नो टेक अ डाइवर्जन.
अबे यार रुक जाओ भाई साहब, कंप्लीट ऑफ रोडिंग, क्या बात है। नहीं R15 V3, क्या बात है भाई, लेते ही ऑफ रोड आ गए तुम तो, मजेदार। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओके सो दैट वाज सम टास्क। तेरे जूते लाल हो गए, तेरी गाड़ी लाल हो गई, ओके पार्ट ऑफ द जर्नी। हाँ सही है यार, तो अभी थोड़ी देर पीछे एक साइन बोर्ड था, उसमें लिखा हुआ था ड्राइव इन सेकेंड गियर, पता नहीं भाई सेकेंड गियर ही क्यों, ऑन द रोड इज सो बटरी स्मूथ। स्काई वहाँ पर पार्क्ड है, सो रियली ब्यूटीफुल लोकेशन एक्चुअली, सी बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो हाँ बस चाय ब्रेक के लिए रुका हूँ मैं 5-10 मिनट्स, फिर निकलता हूँ। हाँ समवेयर इन द मिडल, यहीं पर अभी चाय पी थी एंड यस लेट्स गेट गोइंग। मोर ओया 180 किलोमीटर्स टू गो फ्रॉम हियर। सो फार सो गुड, बहुत ही स्मूथ राइड था, बहुत ही स्मूथ। एंड हाँ एग्जैक्टली 183 किलोमीटर्स है, तो हाँ चलिए चलते हैं। पता नहीं ये कौन सा गांव है, छोटा सा, अच्छा है, नाइस टू सी सम पीपल अराउंड आफ्टर हो ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ से कैलिकट 135, सुल्तान बत्री 45, मैसूर 110, ओके पता नहीं है कौन सा गांव है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए ऊटी मेन रोड, अच्छा गुडलूर, नाइस तो ये है गुडलूर, करेक्ट। नाइस स्मॉल लिटिल टाउन, स्टिल इन द ट्रैफिक, इट्स बीन 10 मिनट्स ऑलरेडी, पता नहीं क्यों इतनी ट्रैफिक है। अभी तक पूरा सफ़र आसान था, यहाँ पर आकर के गाड़ी रुक गई है। खोल दो यार, और गर्मी भी हो रही है अभी, अंदर पूरे पसीने छूट रहे हैं लिटरली। कम ऑन, फाइनली आउट ऑफ द सिग्नल। वहाँ पर कुछ यू नो कैंपेनिंग वगैरह चल रही थी, दैट इज़ वाई द ट्रैफिक। यार 10 मिनट में पसीने छूट गए लिटरली, अभी तक का पूरा सफ़र इतना ठंडा था, मैं ऑलमोस्ट बोलने ही वाला था कि यू नो नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ स्वेट सो फार, बट बहुत बहुत ड्रॉप्स निकले यहाँ पर स्वेट के। ओके बस एक बार ये यू नो टाउन से निकल जाऊँ यहाँ से, फिर आराम से भगाएंगे।
Okay, I'm in the middle of somewhere. Gudlur se bus 10 minutes, I guess. यहाँ पर ये कोई छोटा सा यू नो चर्च टाइप का, पता नहीं इसको क्या कहते हैं. आई जस्ट स्टॉप्ड बिकॉज GoPro की बैटरी ख़त्म हो गई थी. बहुत बहुत खाती है यार ये बैटरी, बहुत जल्दी. मतलब अभी सेकेंड बैटरी डाली है मैंने, थर्ड वाली एक और है अंदर. तो तीन तीन GoPro की बैटरीज कैरी कर रहा हूँ मैं. स्ट्रगल्स यार, स्ट्रगल्स ऑफ अ व्लॉगर. अभी निकलता हूँ यहाँ से, आई गेस 155 किलोमीटर्स है एग्जैक्टली. कूर्ग, हियर आई कम. करनी नाम के जगह पर रुका हूँ अभी. इट्स अराउंड यू नो 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. कूर्ग इज 100 किलोमीटर्स यहाँ से. सो दिस प्लेस इज करनी. मैंने अभी यहाँ पर यू नो यू सी दैट प्लेट, मैंने अभी आलू भजी खाई यहाँ पर. दिस स्काई, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी, लिटरली बारिश हो रही थी. तो मैंने सोचा चलो रुक जाता हूँ थोड़ी देर, और मुझे ये यू नो छोटा सा एक शॉप दुकान दिख गया. तो आई एट समथिंग. सुबह मैं कॉफ़ी पी करके निकला था, तो बीच में एक जगह चाय पी, एंड यहाँ पर एक और बार चाय पीऊँगा. बिकॉज वाई नॉट यार, लुक एट दिस वेदर. अभी 5 मिनट पहले लिटरली बारिश हो रही थी यहाँ पर, अभी बंद हो चुकी है. सो लुक एट इट, ऑल ग्रीन. इतना ग्रीन 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 लग रहा है सब. तो बस अंदर भाई साहब चाय बना रहे हैं, तो चाय पी करके. अरे हाँ यार, यही खाया था मैंने अभी यहाँ पर, दिस वन. आलू, फुल आलू से स्टफ्ड था अंदर. आई जस्ट एट इट. ओके, सो चाय इज रेडी. चाय पी करके निकलते हैं यहाँ से. रास्ते में मुझे मिल गए एक स्क्विड साहब. स्प्लेंडर पे हैं, काफी तेज भगा रहे हैं. सही है यार, स्क्विड्स यहाँ भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं स्क्विड्स. ये रहे हमारे स्क्विड साहब, घूम घूम के पीछे देख रहे हैं. देखो देखो देखो, जैसे ही मैं पास आ रहा हूँ भगा रहा है. तो ये भाई साहब थोड़े यू नो छोटे वाले स्क्विड. क्या बात है यार, यहाँ तो सारे के सारे स्क्विड मुझे देख करके ये भाई साहब भी शुरू हो गए. ओफो ओफो, क्या बात है क्या बात है क्या बात है. तो रेसिंग ट्रैक ही बना दिया भाई. मैं नहीं पढ़ने वाला इस झमेले में, तुम लोग जाओ. पता नहीं कौन किस पे. चलो सही है, रेसिंग ट्रैक मतलब पूरा का पूरा. वो भाई साहब को देखो भाई, कौन सी है वो, एक्टिवा है कि जुपिटर है. ओ भाई साहब क्या भगा रहा है यार बंदा, क्या भगा रहा है. ओ हो 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 हो, हाईवे पे तो छक्के छुड़ा दूं इनके मैं. पता नहीं लोकल्स लग रहे हैं, मतलब रूट वूट सब अच्छा जानते हैं, तो भगा रहे हैं. चलो भगाओ, अच्छा अभी कभी हाईवे पे मिलना बताते हैं तुम्हें. ऑलमोस्ट फील्स लाइक यू नो इनसाइड द जंगल पूरा का पूरा. ओके, आई सी द बिल्डिंग. मुझे नहीं पता कहाँ पार्क करना है, क्या है. आई गेस आई विल पार्क इट राइट देयर. ओ भाई साहब, एंड आई हैव रीच्ड ज़ोस्टेल कूर्ग. सो दिस इज द ज़ोस्टेल हियर. And this is me.
अभी मैं फ्रेश हुआ, पानी वानी नहा करके यू नो अभी निकला। आई गेस दिस इज़ द मेस हियर, पता नहीं और थोड़े लोग हैं वहाँ पर। दिस इज़ द मेस आई गेस सब लोगों के लिए। एंड ओफो ये तो मैंने देखा ही नहीं भाई साहब, ये भी तो है यहाँ पर। वी हैव बोनफायर, वी हैव सम नूडल्स एंड ऑल आई गेस। और प्रताप भाई क्या इवनिंग कुछ लग रहा है क्या अच्छा यहाँ पर आज? संडे वनडे है भाई, यहाँ पे वीकेंडिंग स्टेटस वगैरह मिलेगा आपको। क्या मिलेगा मतलब स्टेटस वगैरह? ये चिली चिकन, पनीर, चिली पनीर। ओके ओके, चिकन आइटम्स तो है ना, मतलब नॉन वेज है ना? हाँ वेज नॉन वेज दोनों है। तो बाय द वे ये प्रताप भाई हैं यहाँ पर यू नो इंचार्ज हैं, ये अभी फिलहाल हाँ सुपरवाइजर हैं। तो भाई दिखा रहा था मैं। हाँ कोई नहीं ठीक है चलो राइट। या वेलकम, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। इट्स अ नाइस प्लेस, लुक एट द प्लेस अराउंड। मुझे कुछ 4 घंटे कुछ लगे पहुंचने में, आराम से ब्रेक वेक लेकर मैं यू नो ट्रैवल किया एंड ऑल। सो आई पार्क्ड माय बाइक ओवर देयर। यस वहां पर मैंने अपनी बाइक पार्क की। एंड यू पार्क्ड माय बाइक राइट? सो ये जो भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर, मैंने बाइक पहले वहाँ पर रखी थी, बट देन मुझे बैग वैग सब निकाल के लेके जाना था अंदर, तो इन्होंने हेल्प की। व्हाट्स योर नेम ब्रो? नितीश राइट। सो नितीश इन्होंने मेरे हेल्प की। बाय द वे दिस इज़ फॉर यूट्यूब, आई हैव अ यूट्यूब चैनल। ओके व्हाट्स योर चैनल नेम? द क्लब टॉक्स, अनदर सब्सक्राइबर। द क्लब टॉक्स यप। सो यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग। मेन जो उधर से हाईवे निकल रहा है वहाँ से पूरा यू नो आई गेस 200-250 मीटर्स अंदर को है ये, बहुत ही अच्छी जगह है। एंड या दिस इज़ द फर्स्ट डे हियर, लेट्स एक्सप्लोर। एक वीक के लिए तो हूँ मैं यहाँ पर, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। अभी तक तो सब सही है, 2-3 बंदे भी मिल चुके हैं दोस्त, देखते हैं आगे क्या होगा। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक के देख ही लिया है तो लाइक तो अभी दब जाना चाहिए, एंड इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वेलकम टू द फैमिली। एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।